नमस्ते डियर व्यूवर्स तो आज के इस वीडियो में हम लोग मैक्सुल्स इक्वेशंस के डेरिवेशंस को करने वाले हैं और ये हमारा वीडियो नंबर टू है मैक्सल्स इक्वेशंस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये हमारा वीडियो नंबर टू है इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो भी बेसिक्स थे या ऐसा कहिए जो भी इंट्रोडक्ट्री पार्ट था मैक्सुल्स इक्वेशंस का उसमें पूरा डिस्कस किया है. तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए जो हमारा डेरिवेशन है उसको स्टार्ट करते हैं तो इस वीडियो में जो डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैक्सवेल के सबसे पहले इक्वेशन का डेरिवेशन करने वाले हैं ठीक है डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन अब आपको पता है कि मैक्सवेल का जो सबसे पहला इक्वेशन है वो क्या है एरो डेल डॉट एरो डी इज इक्वल टू रो और डाइवर्जेंस एरो डी इज इक्वल टू रो ठीक है इसे प्रूव करना है जनरली हमें पता है कि मैक्सवेल का जो सबसे पहला इक्वेशन है वो गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर डिपेंड करता है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू गॉसस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ठीक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो गॉसस लॉ है उसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि जो फ्लक्स होता है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किससे इक्वल होता है इंटेग्रल ओवर क्लोज ऑफिस इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरोडियस एक स्मॉल गॉसियन सरफेस होता है एरोडियस इज इक्वल टू क्यू बाई एप नॉट इससे इक्वल होता है या ऐसा कि किस लॉ का ये मैथमेटिकल फॉर्म है ठीक है होता क्या है इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं मान लीजिए कि ये कोई हमारे पास क्लोज सर्फेस है एस इसको क्लोज कर लेते हैं क्लोज सर्फेस है एस और ये एक वॉल्यूम भी इनक्लूड किए हुए ठीक है तो अगर यहाँ जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा मान लीजिए कि ये अगर क्यू चार्ज इनक्लोज कर रहा है अपने अंदर तो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस क्लोज सॉफिस में वो इक्वल होता है नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज बाई दिस सॉफिस तो अकॉर्डिंग टू लॉ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो कुछ ऐसा होता है इंटेग्रल ओवर क्लोज सॉफिस एरो ई डॉट एरो डी एस इज इक्वल टू क्यू नॉट तो आप इसे इक्वेशन नंबर वन ले लीजिए ठीक है अब यहां पर देखिए जनरली क्या होता है कि अगर हम लोग एक स्मॉल वॉल्यूम डी वी कंसिडर कर लें और इधर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है अगर वो रो हो तो इस स्मॉल वॉल्यूम में जो चार्ज होगा वो रो डी वी होता है ठीक है और अगर हमें इस पूरे सरफेस के लिए चार्ज चाहिए पूरे होल वॉल्यूम के लिए तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं ओवर होल वॉल्यूम तो हमें क्यू का वैल्यू मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे क्यू को ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप पहले यहाँ पे लिख लीजिए कि सिंस क्यू इज़ इक्वल टू इंटेग्रल ओवर होल वॉल्यूम रो डी वी ठीक है तो यहाँ जो क्यू का वैल्यू मिल रहा है वो आप यहाँ पर सफ्टीट्यूड कीजिए तो यहाँ पर लिखिए कि इक्वेशन नंबर वन इधर लिख लीजिए कि इक्वेशन नंबर वन बिकम्स इक्वेशन नंबर वन क्या कैसा बन जाएगा कुछ ऐसा इंटैग्रल ओवर क्लोज सर्फ एस एरो डॉट एरो डी एस इज इक्वल टू वन बाई एप्स नॉट को अलग ले लेते हैं और ये जो इंटेगरल है रो डी ठीक है अब यहाँ पर आप देखिए इसको पहले इक्वेशन नंबर टू लेते हैं अब आप गौर से इस इक्वेशन को थोड़ा सा देखें इस इक्वेशन में एक तरफ हमारे पास सरफेस इंटीग्रल है तो दूसरी तरफ वॉल्यूम इंटीग्रल है अगर हमें इस इक्वेशन को लाना है इस इक्वेशन को प्रूव करना है तो हमें इस इंटीग्रल को यहाँ से हटाना पड़ेगा रिमूव करना पड़ेगा एलिमिनेट करना पड़ेगा तो ऐसा कैसे कर सकते हैं ऐसा करने के लिए हमारे पास दो पॉसिबल रास्ते हैं या तो हम लोग इस सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दें या फिर इस वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस में कन्वर्ट कर दें तो ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं गॉसिस लॉ के अकॉर्डिंग गॉसिस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिखिए कि एकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम गोसिस का एक डाइवर्जेंस थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉफेस इंटेग्रल को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं और वॉल्यूम को सॉफेस इंटेग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं तो गोसिस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो इंटेग्रल ओवर क्लोज सॉफेस एस एरो ई डॉट एरो डी एस है इसे आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ये इंटेगरल ओवर होल वॉल्यूम एरोडेल डॉट एरो ई डी कुछ ऐसा अब ये जो पार्ट आप देख रहे हैं अगर आप इसको इक्वेशन नंबर थ्री ले लेते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इक्वेशन टू और थ्री को कंपेयर कर सकते हैं तो कंपेयर कर लीजिए ऑन कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर टू एंड थ्री इक्वेशन टू और थ्री को अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपको क्या मिलेगा देखिए ये इससे इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों का सेम है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इंटेगरल ओवर होल वॉल्यूम एरो इज इक्वल टू वन बाई एप्सुलगर रो डीवी ठीक है अब आप यहाँ पर गौर से देखिए अगर हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाए तो हमें क्या मिलेगा एप्सुलरोल टू इन टैग्रल ओवर वॉल्यूम रो डी ठीक है अब अगर आपको नहीं पता है कि ये डल क्या है ये एरो e रो क्या है ना ये एप्सुल

तो आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दीजिए उसे एरोडल डॉट एरो डी आप चाहें तो अब यहाँ से हम लोग जो इंटेग्रल से उसको बहुत ईजिली रिमूव कर सकते हैं एलिमिनेट कर सकते हैं देखिए कैसे एरोडल डॉट एरो डी ब्रैकेट वी माइनस रो डी वी इसको क्या किया लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर के आ गए अब यहाँ पर देखिए अब आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको ब्रैकेट में लेके इरोडेल डॉट एरोडी माइनस रो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इंटेग्रल ओवर वॉल्यूम एंड डी वी कॉमन है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं डी वी ठीक है अब ये दोनों बहुत ईजिली एलिमिनेट हो जाएगा ये दोनों जैसे ही एलिमिनेट होगा हमारे पास क्या बचेगा इरोडेल डॉट डी माइनस रो बचेगा हमारे पास आप चाहे तो इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं एरोडल डॉट एरोडी अब आप देखिए ये हमारा मैक्सवेल का सबसे पहला इक्वेशन है आप चाहे तो इसे डाइवर्जेंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं डाइवर्जेंस एरोडी इज इक्वल टू रो ये हमारा मैक्सवेल का सबसे पहला इक्वेशन है देखिए डाइवर्जेंस एरोडी इज इक्वल टू रो तो इस तरीके से कुछ हम लोग मैक्सवेल का सबसे पहला जो इक्वेशन है उसको प्रूफ करते हैं सामने है आपके सारा स्टेप्स आपके सामने तो ये हमारा क्या था मैक्सवेल्स इक्वेशन का वीडियो नंबर टू था इस इस वीडियो में क्या किया हम लोग मैक्सवेल के सबसे पहले इक्वेशन को डिराइव किए इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे बेसिक्स डिस्कस किए थे मैक्सवेल्स इक्वेशन से रिलेटेड तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देखिए उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और नेक्स्ट वीडियो में मैक्सवेल के सेकेंड इक्वेशन को डिराइव करेंगे ठीक है ना तो चलिए आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं